नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज गार्डन। दोस्तों, मानसून की विदाई हो चुकी है और सर्दियों की शुरुआत होने वाली है। उसके पहले 10-15 दिन की कुछ गर्मी रहती है, जिसमें हम लोगों को पौधों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आज संडे है, मैं अपने गार्डन का टूर कर रहा था, तो कुछ गार्डनिंग संबंधित टिप्स है दोस्तों जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा पान का पौधा है, आप देख सकते हो बिल्कुल स्वस्थ पौधा है, लेकिन अभी गर्मी एकदम से बढ़ गई है तो इसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। तो आप गमले की मिट्टी को खुरच कर देखते रहिए कि उसमें पानी है नहीं है, और इस समय पर नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए दोस्तों। साथ ही मैंने अपने गार्डन में कुछ नए पौधों को इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, जिसमें एक तो ये अश्वगंधा का पौधा है। अश्वगंधा कई तरह की बीमारियों में काम आता है और अभी ये आसानी से लग जाता है। उसके साथ ही दोस्तों हमारा इंसुलिन का पौधा बहुत अच्छे से बढ़ रहा है और ये शुगर के लिए बहुत फायदेमंद पौधा है। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने सहजन के कुछ पौधे लगाए हैं। ये सहजन का पौधा लगभग 2-2.5 महीने पुराना पौधा है और आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है और इसकी पत्तियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन्स और प्रोटीन्स पाया जाता है, जिसको हम दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा ओडोमास का प्लांट है, जो मच्छरों और दूसरे कीटों को भगाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। साथ ही लेमन ग्रास भी वही काम करता है। यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा ब्रह्मी और मंडूपर्णी लगा हुआ है, जो बड़े अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन अभी धूप एकदम से बढ़ने के कारण कुछ इसके पत्ते जलने लग गए हैं, तो यहाँ पर पानी का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। इस तरफ आप देखेंगे तो मैंने कुछ गेंदा लगा रखा है। दोस्तों, ये हमारा गेंदे का पौधा है और आप देख सकते हो हमारा गेंदा किस तरह से फैल रहा है, इसमें खूब भर भर के फूल आ रहे हैं। तो गेंदे के बारे में 2-3 चीज़ें हैं कि इसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए, एक कम से कम 12 इंची का पोट या कंटेनर चाहिए, तो ये अच्छे से फैलता और बढ़ता है। इस तरफ आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हमारा अपराजिता लगा हुआ था, जो 2-3 साल पुराना हो गया था। इसकी हमने पूरी टॉप वर्किंग कर दी, पूरी प्रूनिंग कर दी दोस्तों, क्योंकि उसमें फ्लावर्स की संख्या बहुत कम हो गई थी और अब पूरी नई ग्रोथ आ रही है। अब इस नई ग्रोथ में फ्लावर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये हमारा सेडनेट हाउस है, जिसके अंदर मैंने जैविक मिर्ची और टमाटर लगा रखे थे। ये हमारी मिर्ची है, जो लगभग हम 2-3 महीने से लगातार कंज्यूम कर रहे हो, और ये 100% ऑर्गेनिक है दोस्तों। और इस तरफ हमने टमाटर भी लगाए थे, जो अब लास्ट स्टेज पर रहे, लगभग 4-5 किलो टमाटर हम तोड़ चुके हैं इसमें से। तो आप भी अपने गार्डन में एक छोटा मोटा वेजिटेबल चैम्बर बना लें, ये बहुत फायदे की चीज़ है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, ये हमारा ड्रिप इरीगेशन सिस्टम का चैम्बर है या टैंक है, और यहाँ पर वाल है, क्योंकि इन दिनों पौधों को पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो ये सीधा हमारे सभी पौधों को सुचारू रूप से पानी पहुँचा देता है दोस्तों। इसमें हमने ड्रिपर हमारे हिसाब से सेट कर रखे हैं कि बड़ा अगर पौधा है तो उसको ज़्यादा पानी मिल जाए, और अगर छोटा पौधा है तो उसमें पानी कम मात्रा में गिरे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, हमारे हैंगिंग पॉट्स में पौधे लगे हुए हैं, जो बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहे हैं, और गुलाब में भी फ्लावरिंग बराबर हो रही है दोस्तों। इस तरफ दोस्तों मैंने स्टीविया के पौधे कुछ लगा रखे हैं, जिनको मीठी तुलसी भी कहते हैं। ये भी शुगर के लिए बहुत इफेक्टिव है और ये शक्कर से लगभग 300 गुना मीठे होते हैं। तो ये हमारी गिलोई की बेल जा रही है, जो लगभग 30 फीट दूर से आ रही है। ये भी एक अमृत तुल्य औषधि है। दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा टेरेस गार्डन है, जो एक मल्टीपर्पज़ यूज का है। इसमें सब्जी वाले पौधे, फलदार वृक्ष, औषधीय पौधे, शोभायमान पौधे, सभी तरह के पौधों का समायोजन है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और गार्डन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।